चलिए वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं आपका दोस्त आपका साथी हमारे सैनी झुंझुनू वाला एक बार फिर से एक रिफ्रेशिंग एपिसोड के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं और पूरा विश्वास है मुझे आप बिल्कुल स्वस्थ है मस्त है तंदुरुस्त है और खुशहाल है अपने परिवार के साथ जैसा कि आप तो स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या आप भी बनना चाहते हैं साधारण से असाधारण डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा सवाल आपसे में जाइए और जवाब जरूर दीजिए अपने आप को जरूर जवाब क्या आप भी साधारण से असाधारण बनना चाहते हैं क्या आप भी असाधारण काम करना चाहते हैं इस दुनिया में आकर अपना नाम करना चाहते हैं कोर फरमाइएगा सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इन प्यारे प्यारे सेशंस को आप जरूर अटेंड कीजिए और साथ ही साथ अपने परिवार को अपनी फैमिली को अपनी टीम को जरूर इसमें इन्वॉल्व करें चलिए आगे बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं आज के इस से सेशन की दिल से धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का दिल से आप सभी का। मैं कहना चाहूंगा साधारण से असाधारण के इस सफर में हम जब पहला कदम लेते हैं तो इस बात का हमें हमेशा मर्म रखना चाहिए इस बात में कोई अतिश्यक्ति नहीं है अगर आप साधारण कार्य को लगातार बिना रुके बिना थके बिना हारे बिना मैदान छोड़े आप लगातार सीखते हुए सही समय पर सही दिशा में अगर करते चले जाएं, तो परिणाम प्राप्त जो होते हैं वो असाधारण ही होते हैं वो परिणाम हमें असाधारण ही लगते हैं यस और नो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करना चाहें महात्मा गांधी जी ने साधारण सा कार्य किया जो कोई भी सुने तो उसे ये कभी विश्वास ही नहीं होगा कि सिर्फ सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर कोई आजादी की लड़ाई लड़ सकता है क्या मगर उन्होंने ये अपने जीवन काल में यह असाधारण कार्य संभव कर दिखाया। यस और नो सचिन तेंदुलकर साहब ने वही साधारण सी शुरुआत की थी जो अपने बचपन में जो हर कोई बच्चा अपने बाल्यकाल में करता ही है और वह आपने मैंने हम सब ने अपने बचपन में वो साधारण सी शुरुआत हर किसी ने की होगी बैट बॉल से खेला होगा मगर उसी बचपन के उस साधारण से लगने वाले क्रियाकलाप से आज सचिन आज सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट के भगवान बन बैठे वही साधारण सी क्रियाकलाप जो बचपन में आपने और मैंने भी बहुत करी होगी बचपन में आप और हम सब भी बैट बॉल से बहुत खेले होंगे बाबा रामदेव एक और बेहतरीन एग्जाम्पल बाबा रामदेव वही साधारण सी बातें जो सदियों से लिखी और पढ़ी जाती रही है व्यायाम करो ध्यान करो स्वस्थ जीवन से लिए अपनाओ ये हम सब सुनते आ रहे हैं बचपन से हम सब जानते हैं वो यही कहते कहते उन्होंने हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया साधारण से असाधारण वो बन बैठे उन्होंने यही कहा कि ये सब आप अपनाओ अनुलोम विलोम भ्रामी कपाल भाती करो ये सब बातें जो हमेशा से हर कोई जानता है वो सब सिखा कर बताकर आज दस हजार करोड़ की कंपनी बन गए हैं और पूरी दुनिया में देश को गौरव भी दिलाया और देश को योग गुरु के रूप में स्थापित भी कर दिया ये साधारण सी बातें असाधारण परिणाम दे सकती है यह सब वो साधारण कार्य हैं जो हमेशा से हर कोई जानता है सुनता है मगर इन साधारण से लगने वाली बातों कार्यों से असाधारण परिणाम कैसे आ जाते हैं क्या कारण है कि भतेरे उदाहरण भतेरे उदाहरण देश दुनिया में लोगों के भरे पड़े हैं जो साधारण से दिखने वाले कार्यों को करके कर करके कर करके कर करके -कर -कर कर -कर अपने आप को उन्होंने असाधारण बना लिया अब अगर मैं बात करूं अपने सिस्टम की तो हर कोई जानता है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है किस तरह से एक आम इंसान सिर्फ अपनी साधारण सी आदतों को बदल कर जैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान जो हम पहले कहीं भी कहीं भी किसी से भी किसी भी दुकान या मॉल कंपनी से ले रहे थे वो अब हम अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेना अगर शुरू कर दे यूज करना शुरू कर दे तो किस तरह से हम साधारण से असाधारण बन जाते हैं जिस तरह से साधारण से हर इंसान अपने जीवन काल में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस उपभोग करने के बाद अपने मानव स्वभाव की वजह से इसका प्रचार प्रसार भी करता है जो भी इसका अनुभव कर रहा है जो भी वो उसका अनुभव कर रहा है वो हर किसी से अपने जानने मिलने वालों से वो साझा भी करता है ये साधारण सी बातें हैं हर कोई जानता है समझता है और ऐसे करता भी है अपने जीवन काल में बस इसी साधारण से दिखने वाले कार्य को इसी साधारण से दिखने वाले कार्य को मां सुरेखा भार्गव जी ने समझा अपनाया आज वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी लीडर आइकॉन बन गई है और आज हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए सालाना कमाते हुए अपनी एक बहुत ही साधारण सी पहचान को असाधारण व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया है आज पूरी दुनिया उनको पहचानती है साधारण सी औरत जिनके सर पे घूंघट हुआ करता था गोद में 2 साल का बच्चा हुआ करता था आज से 24 साल पहले घरों से निकलना बाहर निकल कर बातें करना कितना मुश्किल हुआ करता था एक आम लेडी लीडर के लिए एक आम औरत के लिए लेकिन उन्होंने वही साधारण से कार्य कर करके कर करके कर करके -कर कर -कर कर -कर कर अपने आप को स्थापित कर दिया एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में अब आप ही विचार करें इन सब इतिहास के निर्माताओं में क्या क्या वो समानताएं हैं जो किसी भी साधारण से साधारण इंसान को असाधारण बना देती है यस माय डियर फ्रेंड्स अब आप ही विचार करें इन सब इतिहास के निर्माताओं में क्या क्या वो समानताएं हैं जो किसी भी साधारण से साधारण इंसान को असाधारण व्यक्तित्व बना देती है अब गौर करें जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर आप किसी भी साधारण से कार्य को लगातार, लगातार 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 बिना रुके बिना थके बिना हारे बिना मैदान छोड़े लगातार सीखते हुए विश्वास के साथ सही समय पर सही दिशा में करते चले जाएं तो परिणाम असाधारण ही होंगे मेरे दोस्त असाधारण ही होंगे एक बार फिर से गौर फरमाइएगा गौर कीजिएगा जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर आप किसी भी साधारण से कार्य को लगातार, लगातार 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 बिना रुके बिना थके बिना हारे बिना मैदान छोड़े लगातार सीखते हुए विश्वास के साथ सही समय पर सही दिशा में करते चले जाए तो परिणाम असाधारण ही होंगे जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं होता है जब ये परिणाम आ जाते हैं तो एक आम आदमी के लिए साधारण से साधारण व्यक्तित्व के लिए या बड़ी से बड़ी हस्ती के लिए उस क्षेत्र से संबंधित जो नहीं है उन सबके लिए उन पे भरोसा करना मुश्किल होता है अब आप ही निर्णय लें कि आप हम सबके पास भी वही अवसर है वही अवसर है वही अपॉर्चुनिटी है वही मौका है वही प्रोडक्ट्स है वही प्लान है वही सिस्टम है वही कंपनी है बल्कि पहले से सब कुछ बेहतर हालातों के साथ उपलब्ध है पहले से बेहतर हालातों के साथ उपलब्ध है अब हम भी क्या उन्हीं साधारण से दिखने वाले कार्यों को जो इन महान लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में किया और ऐसा रण ख्याति और व्यक्तित्व का निर्माण कर अपने काम और अपने नाम को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया वह सब हम भी कर सकते हैं यस और नो सवाल कीजिए अपने आप से पूछिए अपने आप को जवाब दीजिए अपने आप को क्या हम ऐसा कर सकते हैं यस यू कैन डू इट यस आई कैन डू इट यस वी कैन डू इट हम कर सकते हैं इंसान की ओलाद है हम जो इस सृष्टि में जितने भी आविष्कार हुए हैं जितने भी, भी परिणाम या जितनी भी सुख आपको जो, जो नज़र आती है तो लेकर रात तक और रात से लेकर दूसरे दिन सुबह तक हम सब काम में लेते हैं इस पूरी सृष्टि में वो सब कुछ इंसान ने बनाया है ईश्वर की कृति के बाद ईश्वर की अनमोल रचना के बाद इस पूरी दुनिया में इस पूरे ब्रह्मांड में अगर दूसरा कोई निर्माता अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है और आप और हम सब भी उस इंसान की औलाद है अगर हमसे पहले कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकता है तो ये विश्वास कीजिए कि आप और हम सब भी कमाल कर सकते हैं हम भी साधारण से असाधारण बन सकते हैं हम भी सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं हम भी बाबा रामदेव हो सकते हैं हम भी महात्मा गांधी हो सकते हैं हम भी सुरेखा भार्गव हो सकते हैं बस विश्वास करना पड़ेगा खुद पे विश्वास करना पड़ेगा खुदा पे विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पे अपनी कंपनी पे अपने प्रोडक्ट पे अपने प्लान पे अपनी टीम पे अपने प्लान पे अपने सिस्टम पे अब फैसला आपका है और जिंदगी भी आपकी है मगर ये अवसर और ये वक्त एक बार निकल गया तो सिर्फ इतिहास पढ़ते रहने के अलावा कुछ नहीं बचेगा यस माय डियर फ्रेंड्स फैसला आपका ही है डिसीजन आपको ही लेना है जिंदगी भी आपकी है कोई पड़ोसी नहीं आएगा आपकी जिंदगी के फैसले लेने के लिए और अगर कोई पड़ोसी आपकी जिंदगी के फैसले लेते हैं तो इससे बुरी बात अपने जीवन में कुछ नहीं हो सकती एक ये जो प्यारा सा मोल सा जीवन मिला है जिसकी समय सीमा हमें पता नहीं है कब वो खत्म हो जाएगा उसका जिंदगी में हर वो अनमोल फैसला जब आप वो फैसले लेने के काबिल हो जाए उसके बाद अगर वो फैसले कोई और लेता है चाहे वो आपका परिवार हो आपके पड़ोसी हो आपके दोस्त हो रिश्तेदार हो या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति हो अगर आपके जीवन के को फैसले कोई और लेता है तो आप अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं यस माय डियर फ्रेंड्स डिसीजन लीजिए डिसीजन मेकर बनिए जिंदगी में बहुत सारे ऐसे आयाम आएंगे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी बहुत सारा ऐसा समय आएगा जहां आपको सेल्फ डिसीजन मेकर बनना होगा और अगर आप सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं है आप अपने स्वयं के निर्णय नहीं लेते हैं तो आपकी जिंदगी की दशा क्या होगी वो आपकी दिशा पे ही डिपेंड करता है एक बार फिर यही कहना चाहूंगा फैसला आपका है जिंदगी आपकी है मगर यह वक्त एक बार अगर निकल गया तो सिर्फ इतिहास पढ़ते रहने के अलावा कुछ भी, कुछ भी नहीं बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा विचार कीजिए और आज अभी इसी वक्त निर्णय लीजिए साधारण से असाधारण बनने का निर्णय लीजिए डिसीजन लीजिए कि मुझे भी साधारण से असाधारण बनना है मुझे भी साधारण से कार्य को लगातार कर करके कर करके कर करके लगातार कर करके कर करके करके कर करके कर करके मुझे असाधारण परिचय देना है इस कार्य क्षेत्र में मुझे भी भगवान बनना है अपने फील्ड का मुझे भी पक्का खिलाड़ी बनना है अपने मैदान का मुझे भी आम से खास बनना है मुझे भी साधारण से असाधारण बनना है मैंने तो फैसला कर लिया है मैंने तो फैसला कर लिया है अब बारी आपकी है अब बारी आपकी है यस माय डियर फ्रेंड मुझे यकीन है मुझे पूरा भरोसा है मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि आपने भी अपनी जिंदगी का फैसला अपने दम पे लिया होगा आपने भी खुद पे भरोसा किया होगा आपने भी अपने आप पे भरोसा करके इस कंपनी पे इस अवसर पे इन प्रोडक्ट्स पे अपनी टीम पे अपने अप्लायंस पे अपने मैनेजमेंट पे मिस्टर समीर मोदी जी पे बिलीव किया होगा अगर एक लेडी लीडर कर सकती है अगर एक कर सकती है, तो आप और हम सब भी कर सकते हैं आप और हम सब भी कर सकते हैं अवसर सबके लिए बराबर है मौका सबको बराबर दिया गया है एक ही कंपनी है एक ही प्रोडक्ट्स है सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है सबको वही वही सारे अवसर दिए गए हैं जो आज से पहले 24 साल के इतिहास में सबको मिले हैं मौके सबके सामने बराबर होने के बावजूद भी सबके अलग-अलग परिणाम सबके अलग अलग है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने डिसीजन किसी और के भरोसे लिए थे जिन्होंने निर्णय किसी और पे छोड़ दिए थे जिन्होंने अपने आप को साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया में झोंका नहीं जिन्होंने अपने आप को बदलना नहीं चाहा जिन्होंने अपनी सोच को अपने माइंडसेट को बदलने के लिए प्रयास नहीं किए अपने बंद ढक्कन को अपने दिमाग के बंद ढक्कन को कभी उन्होंने खोला ही नहीं अक्सर वो कहते रहे अक्सर वो बड़बड़ाते रहे कि बहुत ऐसी कंपनियां बहुत ऐसे लोग बहुत ऐसे अवसर आए हैं मेरी जिंदगी में जिनकी वजह से मैं हमेशा नुकसान में गया हूं जिनकी वजह से मुझे बहुत घाटा हुआ है जिनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी मैं सहमत हूं उन सभी लोगों से लेकिन क्या क्या हमेशा वक्त एक जैसा होता है क्या हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी होती है क्या हमेशा मौसम एक जैसा होता है हालात परिस्थितियां एग्जैसली होती है नहीं जब भी आपके सामने अवसर आए दरवाजा खटखटाए यकीन मानिएगा अगर आपने दरवाजा नहीं खोला वो शुभ अवसर जो आपके जीवन में आया है साधारण से असाधारण बनने का उस अवसर को अगर आपने ग्रेब नहीं किया तो जो किस्मत बनकर जो अवसर हमारे सामने आया है वो अगले किसी दरवाजे पे जाके मीठी सी ठटक मीठी सी दस्तक देगा और हो सकता है कोई व्यक्ति उसे गले लगा ले और वो व्यक्ति जिसने उसे गले लगाया वो आपके सामने एक बहुत बड़ी साधारण सी कहानी को असाधारण कहानी में बदलने में कामयाब हो जाए उसके बाद पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप आज अभी इसी वक्त या तो आपने निर्णय ले लिया होगा इस अवसर को अपने जीवन में सुअवसर को अपने जीवन में साधारण से असाधारण बनने की कहानी को लिखने का निर्णय आपने ले लिया होगा अगर नहीं लिया है तो आज अभी इसी वक्त वो लीजिएगा क्योंकि शुभ अवसर जब आते हैं दरवाजे पे तो सी दस्तक देके देके धीरे से दस्तक किसी अगले दरवाजे पे चले जाते हैं लेकिन मेरे दोस्त बदकिस्मती जब आती है तो दरवाजा धीरे धीरे खटखटाते खटखटाते जोर जोर से ठोकती है और उसके बावजूद भी अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो दरवाजा लात मार के तोड़ती है और आपके गले पड़ जाती है इसलिए हमेशा अपने आख कान, नाक और रहा अपनी सारी इंद्रियों को जागृत रखकर इस शुभ अवसर को आप पहचाने हो सकता है आपके किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार या अनजान साथी के माध्यम से यह अवसर आपके जीवन में आया है जो आपको मौका दे रहा है साधारण से असाधारण बनने का पहचानिए इसको समझिए और तो मैं ये भी कहना चाहूंगा अगर आपको लगता है कि ये गर्म दूध का गिलास हो सकता है जिसको पीने से आपका कंठ आपका गला आपकी जुबान जल सकती है तो यही कहना चाहूंगा आपको कि आप डायरेक्ट इसको पिए मत आप इसको छुइए, इसको महसूस कीजिए डाल के देख लीजिए अगर आपको लगे कि यस, ये वो शीतल छात है ये वो शीतल जल है जिसको मैं पी सकता हूं तब इसको आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके सामने आए टाइम प्रेजेंटेशन रखे डेमो रखे आपको कुछ बताना चाहे आपके सामने इस अवसर को दिखाना चाहे तो अपनी आंखें उस कबूतर की तरह बूंद मुत लीजिएगा जिसको ये लगता है कि जो परेशानी जो तकलीफ जो चैलेंज जो बिल्ली आई है वो मुझे नहीं खाएगी, नहीं दबोचेगी आपको खुली आंखों से उस अवसर को समझना है पहले से उसको बिल्ली नहीं मान लेना है पहले से उसको चैलेंज नहीं मान लेना है तकलीफ नहीं मान लेना है परेशानी नहीं मान लेना, लेना है जो जीवन में हो सकता है पहले कभी घटी हो क्योंकि हेड और टेल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं अगर आप सिक्का उछालोगे ही नहीं अगर आप विश्वास करोगे ही नहीं तो आपका हेड या आपका टेल आपको कभी नहीं मिलेगा लीडर्स उम्मीद करता हूं कि छोटी सी छोटी सी इस कहानी को आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आयाम देने के लिए तैयार हो चुके हैं ये छोटी सी कहानी किसकी है ये छोटी सी कहानी आपकी हम 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 सबकी है हर इस साधारण इंसान की है जो चाहत तो रखता है असाधारण बनने की उपलब्धि हासिल करने की लेकिन उसके पीछे वो एफर्ट्स वो प्रयास वो करता नहीं है अंत में यही कहना चाहूंगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा क्या पता कल हो ना हो इसलिए रोज लो मोज लो नहीं मिले तो खोज लो इसी के साथ कहना चाहूंगा लगे रहो लगन से लगातार आपके लिए बगे फैलाकर मोदी के अपॉर्चुनिटी खड़ी है आगे बढ़िए अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आपकी ग्रेट अप्लाइन आपका मैनेजमेंट आपकी कंपनी और मिस्टर समीर मोदी दो कदम दस कदम बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको बहुत सारी बधाइया बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जय हिंद वंदे मातरम फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद